Hello friends, welcome to Science Thing. In this video, we will start with class 11th chapter, Hydrogen. So hydrogen is the most abundant element in the universe. Universe mein sabse zyada amount mein paaye jane wala element hai hydrogen. And earth par oxygen and silicon ke baad हाइड्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, तो ये अर्थ पर तीसरा अबंडेंट एलिमेंट है और सभी एलिमेंट्स में से हाइड्रोजन सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट है क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन है एंड एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो इसका एटॉमिक सिंबल है एच, इट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, इसका एटॉमिक नंबर 1 है मास नंबर या फिर इसका एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली 1 होता है और ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है। अब हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की और इसका नेम कैसे आया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को कई बार डिस्कवर किया जा चुका था, केमिस्ट जब अपने एक्सपेरिमेंट करते थे तो उन्हें कई बार एक फ्लेमेबल गैस दिखती थी, तो वो देखते थे एक फ्लेमेबल गैस निकल रही है हमारा यही एक्सपेरिमेंट करने से। तो एक केमिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स कर दिया, मतलब ऐड कर दिया इन सबको, और उसमें उन्होंने देखा कि एक गैस निकल रही है जो आसानी से बर्न हो जाती है, मतलब वो आसानी से जल जा रही है और उसमें पेल ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, लेकिन उस वक्त जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि केमिस्ट को पता ही नहीं था कि इस गैस का नेचर क्या है। उन्हें नहीं पता था कि ऐसी बहुत तरह की गैसेस होती हैं, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। उन्हें लगता था कि सारी गैसेस एक ही जैसी होती हैं, जैसे एयर है। तो जैसा एक्सपेरिमेंट रॉबर्ट ने किया वैसा ही एक्सपेरिमेंट कैवेंडिश ने भी किया। कैवेंडिश, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने आयरन लिया, आयरन मेटल है, उन्होंने उसमें एसिड डाल दिया। तो उन्होंने भी ये ऑब्जर्व किया कि एक फ्लेमेबल गैस निकल रही है, लेकिन कैवेंडिश ने क्या सोचा कि वो जो फ्लेमेबल गैस निकल रही है वो निकल रही है आयरन से, एसिड से नहीं निकल रही है, वो निकल रही है आयरन से। लेकिन बाद में ये केमिस्ट ने प्रूव कर दिया कि आयरन एक एलिमेंट है, इसके अंदर कोई दूसरा हाइड्रोजन या फिर कोई और एटम नहीं है। तो जो भी हमारी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, जो फ्लेमेबल गैस निकल रही है, वो निकल रही होगी एसिड से। तो कैवेंडिश के एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन गैस आई एसिड से। तो यहां से पता चल गया कि एक हाइड्रोजन गैस भी है विच इज वेरी फ्लेमेबल। तो ये नाम हाइड्रोजन दिया था एंटनी लवोइजर ने, फुल नेम है एंटनी लॉरेंट लवोइजर। ही वॉज अ फ्रेंच केमिस्ट एंड ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। सो एंटनी लवोइजर ने ये नेम दिया था हाइड्रोजन, क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको बोला वाटर फॉर्मर, मतलब जब हाइड्रोजन इज बर्न्ड विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स वाटर। सो हाइड्रोजन इज वाटर फॉर्मर। तो इसमें दो ग्रीक वर्ड है हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, एंड जीईएनई जीन इसका मतलब होता है प्रोड्यूसिंग। सो इट इज वाटर प्रोड्यूसिंग, इसलिए इसका नाम रखा हाइड्रोजन और इंडस्ट्रियल पर्पस में इसका बहुत यूज होता है। अब हम देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि इसका कलर कैसा है, इसका ओडर कैसा है,
डेंसिटी कैसी है इसकी, सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है, और कंबस्टिबल है या नहीं है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये कलरलेस होती है, टेस्टलेस है, ओडरलेस है, वाटर में बहुत ज़्यादा स्लाइटली सॉल्यूबल है, एंड इट इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट। तो फिर इसकी डेंसिटी भी बहुत कम होती है, हाईली कंबस्टिबल गैस है, और अगर हाईली कंबस्टिबल है ये तो उसको बहुत आराम से हैंडल करना पड़ता है। तो ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो जैसे मैंने कहा, हाइड्रोजन यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। तो यूनिवर्स में हाइड्रोजन पाई जाती है स्टार्स में। स्टार्स हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं एज ईंधन, फ्यूल की तरह वो उसका यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। इट इज़ द प्रोसेस बाई विच स्टार्स यूज हाइड्रोजन। तो फ्यूजन क्या होता है, दो या उससे ज़्यादा स्मॉल एटम्स जब एक दूसरे की तरफ पुश होते हैं थ्रू एनी फोर्स, तो वो एक लार्ज एटम फॉर्म कर लेते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूजन। मतलब वो दो एटम्स फ्यूज हो रहे हैं साथ में, दो या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। जैसे कि चार हाइड्रोजन एटम्स इन चार हाइड्रोजन एटम्स को इस तरह से स्क्वीजिंग कर दें कि ये एक हीलियम का एटम बना लें, तो चार हाइड्रोजन एटम मिलके क्या बनाएंगे, एक हीलियम का एटम। इसको हम क्या बोलेंगे, दे आर फ्यूज्ड। तो ये फ्यूजन रिएक्शन है, एंड इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एंड हीट एनर्जी निकलती है। हमारा सन भी एक स्टार है, वो भी इसी तरीके से काम करता है। तो जो स्टार्स हैं उनके बीच में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जिनमें ये हाइड्रोजन होती है। तो पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि जो एम्प्टी स्पेस है इसमें कुछ भी नहीं होता है, ना ही इसमें हाइड्रोजन है, ना ही किसी और तरह का कोई भी एटम है। बट ये पाया गया कि स्टार्स में इंटरस्टेलर स्पेस होता है विच कंटेन स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर हाइड्रोजन एटम्स। तो उन स्पेसेस में एटम्स प्रेजेंट होते हैं और उनमें से ज्यादातर एटम्स होते हैं हाइड्रोजन एटम्स। तो ऐसे यूनिवर्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। अर्थ पर हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है H2O में, जिसमें टू एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के एंड वन एटम होता है ऑक्सीजन का। इसके अलावा हाइड्रोजन बहुत सारे रॉक्स में, मिनरल्स में पाई जाती है, लेकिन एटमॉस्फेयर में इसकी बहुत कम अमाउंट होती है। एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन इतनी कम इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि एक लाइट गैस है, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको इतने आराम से पुल नहीं कर सकती है, क्योंकि ये लाइट है तो अपने आप ही ऊपर की तरफ उड़ती चली जाएगी एंड ये अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएगी। तो जितनी भी हाइड्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी वो सारी एस्केप आउट होके बाहर स्पेस में जा चुकी है, क्योंकि उसकी लो डेंसिटी है, आराम से वो ऊपर उड़ती चली जाएगी और अल्टीमेटली वो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उससे बाहर चली जाएगी। अब देखते हैं हम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। तो पहले प्रोटियम देखते हैं, इसका एटॉमिक सिंबल होता है कैपिटल एच, एटॉमिक नंबर तो वन ही है, एंड प्रोटियम के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा वन। एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक मास वन हो गया। ड्यूटेरियम के अंदर होता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर वन ही रहेगा, लेकिन एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, टू, क्योंकि दो हैं। ऐसे ही ट्रिटियम है, इसमें एक प्रोटॉन होता है और दो न्यूट्रॉन होते हैं, तो एटॉमिक नंबर वन है लेकिन एटॉमिक मास थ्री है। ट्रिटियम इज रेडियो एक्टिव। तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स कौन से होते हैं, दे आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो एक ही एलिमेंट की अलग अलग फॉर्म है, इनका अटोमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर सबका अलग है। इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है,
जीरो न्यूट्रॉन्स है, इसमें एक न्यूट्रॉन होता है और दो न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसलिए इनका एटॉमिक मास अलग अलग है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम ही रहेगा क्योंकि आइसोटोप है सिर्फ हाइड्रोजन का। तो ये अगर न्यूक्लियस है तो यहां पर एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर हो गई, तो ये है प्रोटियम, नो न्यूट्रॉन हियर। अब यहां पर एक प्रोटॉन हो गया और एक न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन तो बाहर रह गई, तो ये हो गया ड्यूटेरियम। ट्रिटियम हो गया एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, बाहर एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया ट्रिटियम। तो ये हैं इनके तीन आइसोटोप्स। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, ये बिल्कुल सेम है जैसे अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, उनकी होती है ns1, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s में जाता है, सो इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1 एंड इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 17, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2np5, बिकॉज दे नीड वन इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट देयर ऑक्टेट। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो हाइड्रोजन इन दोनों को ही रिजेंबल करता है, तो यहाँ से अब क्वेश्चन उठता है कि इसका एनोमलस बिहेवियर है तो उसको पूरे पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर रखा जाए, इसको कौन सी पोजिशन दी जाए। पहले हम देखते हैं कि ये अल्कली मेटल्स को कैसे रिजेंबल करता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है 1s1, इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी हीलियम 2s1, इसकी कितनी हो जाएगी नियॉन 3s1, इसकी हो जाएगी आर्गन 4s1। तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो हमारा ns1 में ही जा रहा है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सेम है। अब ये है अल्कली मेटल्स, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, ये फटाफट से एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन भी बिहेव करता है, हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और बन जाता है H+। ये भी इसी तरीके से करते हैं, ये बन जाएगा लिथियम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, सोडियम भी इसी तरीके से करेगा, पोटेशियम भी। तो इसमें भी हाइड्रोजन इन ग्रुप 1 की एलिमेंट्स की तरह बिहेव कर रहा है। अब इसकी वैलेंसी देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं इनकी। तो यहाँ पर जाएगा हाइड्रोजन +1 में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। इसी तरीके से ये भी एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इन सब के ऊपर भी कितना चार्ज आएगा +1 +1, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1 और इनकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी +1। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं तो ये किनके साथ कंबाइन करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ में। तो हाइड्रोजन भी लिथियम भी सोडियम भी पोटेशियम भी ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ में कंबाइन करते हैं, जैसे कि H+ हो गया और Cl नेगेटिव हो गया, ये हो गया LiCl, NaCl, KCl, इसी तरीके से, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गए H2O, इसके सल्फाइड्स हो जाएंगे H2S। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ में कंबाइन करते हैं, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ में कंबाइन करते हैं। तो इस तरीके से हाइड्रोजन रिजेंबल करता है ग्रुप नंबर 1 को। अब देखते हैं ग्रुप नंबर 17 को कैसे रिजेंबल करता है। ग्रुप नंबर 17 की कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2NP5, इन्हें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, इसे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो हाइड्रोजन का हो गया 1s1, हीलियम का क्या होता है 1s2। यहाँ पर अगर हम लेते हैं फ्लोरीन या फिर क्लोरीन, ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p5, इसकी कितनी हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, तो लास्ट में क्या आ रही है NS2NP5, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले देगा, तो ये बन जाएगा 2p6, ये भी 2p6, ये बन जाएगा 1s2, तो दोनों को ही एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। दूसरा देखते हैं इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब अल्कली मेटल्स तो क्या है, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो फटाफट से एक इलेक्ट्रॉन देके और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं देता। इस केस में ये हेलोजन्स को रिजेंबल करता है। तो अगर हम एंथैल्पी देखेंगे,
हम पहले एंथैल्पी देख लेते हैं किसी एल्किली मेटल की, तो ये 500 कुछ है किलो जूल पर मोल, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है ये। अब हम एक हेलोजन की देखते हैं, फ्लोरीन की देखते हैं, तो ये हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, ये होती है 1600 किलो जूल पर मोल। और अगर हम देखेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज अबाउट 1300 किलो जूल पर मोल। तो आप देखिए 500 है, तो ये 1300 किलो जूल पर मोल हेलोजन की एंथैल्पी के आसपास है। तो इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इट इज क्वाइट क्लोज टू हेलोजन्स रेदर देन एल्कली मेटल्स, तो यहाँ पर ये हेलोजन्स को रिजेंबल कर रहा है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर, क्योंकि इन्हें एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये फटाफट से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे और स्टेबल होना चाहेंगे। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये दे देगा एच नेगेटिव। इसी तरीके से फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये दे देगा एफ नेगेटिव। यहाँ पर ये हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, यहाँ पर आ गई आर्गन की, यहाँ पर आ गई नियॉन की, एंड इसी तरीके से यहाँ पर हम क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये बन जाएगा Cl नेगेटिव, और यहाँ पर आ गई आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मतलब ये फटाफट से एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर है। अब देखते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हेलोजन शो करते हैं -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन भी शो करता है, जिसके हाइड्रोजन ये बनेगा एच नेगेटिव। इसी तरीके से फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके बनेगा एफ नेगेटिव या फिर सीएल नेगेटिव। तो हाइड्रोजन एच नेगेटिव तब बनता है जब ये एल्कली मेटल्स के साथ में होता है, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड, इसमें एन ए पॉजिटिव होगा, एच नेगेटिव होगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है हाइड्रोजन से, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब हम देखते हैं इनका डायटोमिक नेचर, जैसे कि ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, F2, Cl2, Br2, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डायटोमिक यानी दो एटम्स एक साथ, फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, F2 Cl2। इसी तरीके से हाइड्रोजन भी एग्जिस्ट करती है इन डायटोमिक फॉर्म, H2 गैस, इसमें होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड दिस HH बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। इस HH बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बिकॉज अभी इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, ये स्टेबल है, हम इनको ब्रेक करके एटम्स में ब्रेक कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। तो अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स को भी रिजेंबल करता है और हेलोजन्स को भी रिजेंबल करता है। तो उसमें क्वेश्चन उठता है कि अब हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में कहां पर रखा जाए, कौन सी पोजीशन पर हाइड्रोजन को रखा जाए। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देके एच पॉजिटिव बना सकता है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके एच नेगेटिव बना सकता है, या फिर हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है हाइड्रोजन विद हाइड्रोजन, तो ये H2 बन गया, HH बॉन्ड बन गया। तो अगर इसमें हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो ये बन जाएगा H पॉजिटिव। तो कटायन का साइज हमें पता है, साइज ऑफ कटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, तो यानी हाइड्रोजन का जितना साइज था अब उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो जो कटायन है उसका साइज इस पेरेंट एटम से छोटा होगा। तो इस कटायन का साइज इस पेरेंट एटम से इतना छोटा हो जाता है कि लगभग वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो H+ फ्रीली फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा किसी ना किसी अदर एटम के साथ में बॉन्डेड होगा। सो हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, दिस इज द डायटोमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। तो ये इसका एक यूनिक बिहेवियर है जिसकी वजह से इसको पीरियोडिक टेबल में एक सेपरेट जगह दी गई है। तो आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट दिखेगा हाइड्रोजन, टॉप पर आपको हाइड्रोजन दिखेगा इन ग्रुप 1।
अभी हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो पहला है लेबोरेटरी मेथड है मेटल्स प्लस एसिड। तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि मेटल और एसिड मिलके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। मेटल्स जो इसमें यूज करते हैं वो होंगे एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स जो हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं, जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि जिंक, दिस इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएगी, ये दे देगा ZnSO4, जिंक और SO4 रिमूव क्या होगी हाइड्रोजन गैस H2, या फिर इसी कोई आयनिक फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा Zn प्लस, ये हो जाएंगे 2H+, ये दे देगा Zn2+ और H2, क्योंकि ये होगा SO4 2-, तो जिंक क्या होगा 2+। इसी तरीके से मैग्नीशियम ले लेते हैं, 2HCl ये दे देगा MgCl2 और H2। तो इसमें हम मैग्नीशियम लेंगे जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ताकि ये इस हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस कर सके और खुद कहां लग जाए क्लोरीन के साथ। तो ये इससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी ये हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह पर आ जाएगा। तो ये दे देगा MgCl2 और हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हो जाएगी। दूसरा है इसमें, अभी हमने लिया था मेटल्स और एसिड, अब हम लेते हैं मेटल और अल्कली मतलब बेस। इसमें भी हम जिंक लेते हैं, इसमें हम डालेंगे NaOH, ये दे देगा सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो उसको बैलेंस कर दीजिए, ये हो जाएगा 2NaOH, ये है सोडियम, सोडियम जिंकेट। अब हम दूसरा देखते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो पहला है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो उसमें हमें डाइहाइड्रोजन गैस मिलती है, बहुत ज्यादा हाई प्योरिटी की मिलती है। इसमें हम डाइहाइड्रोजन गैस को कैसे ऑब्टेन करते हैं, सिंपली कैथोड एनोड है, यहां पर एनोड है, यहां पर कैथोड है, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स होती हैं। जो एनोड है उस पे हमारा O2 लिबरेट होता है और कैथोड पे हमारा हाइड्रोजन गैस। इसमें स्मॉल अमाउंट में हम एसिड या फिर एल्केली डाल देते हैं। क्यों डालते हैं, टू मेक इट अ गुड कंडक्टर, ताकि अच्छे से कंडक्ट कर सके, इसलिए हम इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या एल्केली डाल देते हैं। यहां पर हमें O2 लिबरेट हो जाएगी और यहां पर हमारी H2 कलेक्ट हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाए, वॉटर यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या फिर एल्केली, ये दे देगा हमें 2H2+O2, दोनों गैसियस में है। तो अब देखिए कैथोड पे क्या हो रहा है, एट कैथोड, कैथोड पे हमें क्या मिल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस कैसे बन रही होगी, वाटर क्या होता है, H2O, ये ब्रेक होता है H+ और OH- में। तो यानी सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा, H+ आयन और OH- आयन। तो H+ से क्या बना, H2। H+ से H2 कैसे बना, H+ ने ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्या दिया, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन, क्योंकि एक ही एटम हाइड्रोजन नहीं बन रहा होगा, और भी एटम्स बन रहे होंगे हाइड्रोजन, तो H+ और भी बहुत सारे होंगे इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या दे रहे होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलके क्या दे रहा है, H2। तो ये H2 कहां कलेक्ट हो रही है, कैथोड पे। इसी तरीके से एनोड पे क्या हो रहा है,
एनोड पे O2 लिबरेट हो रही है, मतलब निकल रही है O2, तो वहां पर क्या हो रहा होगा, OH नेगेटिव आयंस है, तो ये बन जाएगा ये है 4OH, ये 4OH ब्रेक हो सकते हैं 2H2 प्लस O2, तो ये बन गया वाटर प्लस O2, तो यहां से ये वाटर तो यहीं पर रहा और ये O2 कहां हो गई, लिबरेट हो गई, तो एनोड पे O2 इज लिबरेटेड एंड एट कैथोड H2 इज प्रोड्यूस्ड। तो ये कैसे हो गया, ये हो गया लिक्विड में और ये हो गया गैसियस में। तो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ प्योरिटी की इसमें हाइड्रोजन मिलती है, लेकिन इस मेथड को यूजुअली यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। जहां पर ये इलेक्ट्रोलिसिस मेथड एक्सपेंसिव नहीं होता है, चीप होता है, वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। तो पहला था भाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, सेकंड है एज बाय प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा, इसके अंदर होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन इज हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वॉटर, मतलब NaCl का हाई अमाउंट में प्रेजेंट होना है वॉटर में, दिस इज ब्राइन सॉल्यूशन। इसमें एनोड पे जो रिएक्शन होती है वो होती है Cl नेगेटिव जाता है Cl2 में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, तो ये हो जाएगा 2Cl नेगेटिव एट कैथोड वाटर, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके दे देगा H2, यहां से मिलेंगे 2H नेगेटिव, तो यहां से ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या आएगी, ये ओवरऑल हमारे पास में रिएक्शन आ जाएगी 2Cl नेगेटिव प्लस ये 2H2O, ये हमको दे देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को यहीं कैंसिल आउट कर देते हैं, ये दे देगा Cl2 प्लस H2 प्लस 2OH नेगेटिव, या फिर हम दोनों साइड पे Na प्लस ऐड कर देते हैं, 2Cl नेगेटिव है तो यहाँ पे 2Na प्लस भी होंगे, तो जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन एज मेन प्रोडक्ट नहीं मिल रही है, एज बाय प्रोडक्ट मिल रही है, मतलब साइड में जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसमें हमें डाइहाइड्रोजन गैस मिलती है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस, इसमें हमारी डाइहाइड्रोजन गैस प्रिपेयर होती है जब हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर से हम स्टीम पास करते हैं एट हाई टेम्परेचर्स, तो हाइड्रोकार्बन कैसे हो जाएंगे, CnH2n+2, इसमें हम लिख सकते हैं C2, H कितना हो जाएगा, जब यहां पर N की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा C2H6, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें हम स्टीम पास कर रहे हैं N मोल्स ऑफ H2O, हाई टेम्परेचर मीन्स 1270 केल्विन है, यहां पर ये दे देगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस मिल जाएगी, यहां से भी हम लिख सकते हैं, यहां पर हमें H2 दे देगा, इसी तरीके से यहां पे CH4 भी हो सकता है, C3H8 भी हो सकता है, तो हाइड्रोकार्बन कुछ भी हो सकता है, स्टीम के साथ में रिएक्ट करेगा एट 1270 केल्विन, ये दे देगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस यहां से रिलीज हो जाएगी, और ये जो हमें मिक्सचर मिलता है CO और H2 का, मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का, इसको हम बोलते हैं सिन गैस।
तो CO और H2, ये दोनों का जो मिक्सचर है इसको हम बोलते हैं सिनगैस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वाटर गैस। सिनगैस क्यों कहते हैं? यहां पर सिन से मतलब है सिंथेसिस, क्योंकि इनका यूज करके हम बहुत सारे कंपाउंड्स को आगे प्रिपेयर कर सकते हैं। मिथेनॉल हो गए या फिर हाइड्रोकार्बन्स हो गए, तो ये एक सिंथेसिस गैस है, मतलब इसको कुछ सिंथेसाइज करने में हम यूज कर सकते हैं। तो अभी हमें मिला इन दोनों का मिक्सचर, लेकिन हमें चाहिए क्या? हाइड्रोजन गैस। यहां से तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको हम स्टीम एंड आयरन क्रोमेट FeCrO4 के ऊपर से पास करेंगे अराउंड 600 और 673 केल्विन। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 में और यहाँ से हमें H2 गैस मिल जाएगी। यहाँ से इस मिक्सचर को हम रब कर सकते हैं सोडियम आर्सेनाइड के ऊपर, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और यहाँ से हमें H2 हाई प्योरिटी की मिलेगी। तो ये था हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस। नेक्स्ट है बाय द रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोक। तो कोक क्या होता है? कार्बन, एंड रिएक्शन है स्टीम की, मींस H2 गैस। ये दे देगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2, तो ये हमारी सेम गैस ही है। इसमें स्टीम इज पास्ड ओवर कोक एट 1270 केल्विन, निकल इज द कैटलिस्ट। ये दे देगा हमें CO प्लस H2, इसको हम कहते हैं सिन गैस या फिर वाटर गैस। और इस प्रोसेस को बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोल और कोक। तो इस कोक से सिन गैस को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस को ही बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन। इसका इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसको प्रिपेयर करना आसान होता है और इसे बर्न करते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है, तो इसका यूज बहुत ज्यादा है। तो जैसा अभी हमने हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस में देखा था, उसमें भी हमने हाइड्रोकार्बन के साथ में स्टीम को रिएक्ट करा के देखा था, तो हमें मिली थी सिन गैस। सिन गैस में से हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव करनी है हमको, क्योंकि हमें हाइड्रोजन ऑब्टेन करनी है यहाँ से, तो हाइड्रोजन को यहाँ से ऑब्टेन करना मुश्किल है। तो इसमें हम क्या करते हैं, और ज्यादा स्टीम पास करते हैं विद आयरन क्रोमेट एज कैटलिस्ट एट 673 केल्विन टू ऑब्टेन मोर हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब हमने कोक को स्टीम के साथ में रिएक्ट कराया, निकल कैटलिस्ट है, इतना टेम्परेचर है, तो यहाँ पर हमें प्रोड्यूस हुई CO प्लस H2। तो ये भी हमारी सिन गैस है या फिर वाटर गैस है। यहाँ से हमें हाइड्रोजन चाहिए, तो सिन गैस से हाइड्रोजन को ऑब्टेन करना मुश्किल होता है। तो इस डाई हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को हम और बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को हम दोबारा से स्टीम में पास करेंगे। तो ये मिक्सचर को हम पास करते हैं स्टीम में, यानी कि H2O, सिन गैस या फिर वाटर गैस एट 673 केल्विन, और यहाँ पे हम कैटलिस्ट लेंगे आयरन क्रोमेट FeCrO4। तो ये दे देगा CO2 और यहाँ से मिल जाएगी हमें 2H2। तो ये जो हमारे पास में अब रिएक्शन आई है, इस रिएक्शन को बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। जो CO2 यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है उसको सोडियम आर्सेनाइड के साथ में रब करके उसको रिमूव कर सकते हैं और यहाँ से हमें डाई हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। सिन गैस वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखते हैं डाइहाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उसकी रिएक्शन। पहला है रिएक्शन विद हेलोजन्स। तो डाइहाइड्रोजन हेलोजन्स के साथ में रिएक्ट करके
ये दे देगा 2HX, ये देगा हाइड्रोजन हैलाइड, यहाँ पर X हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जैसे कि H2, और Cl2 दे देगा 2HCl, तो ये हो गए हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब है डाइऑक्सीजन, तो ये हमें पता ही है 2H2 प्लस O2, ये हमको दे देगा 2H2O। यहाँ पर हम कैटलिस्ट डालते हैं या फिर हीटिंग करते हैं, बिकॉज ये रिएक्शन स्लो होती है। अब है रिएक्शन विद डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ में कैसे रिएक्ट करेगा, ये दे देगा 2NH3। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है हेबर्स प्रोसेस। इससे हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया को हम प्रिपेयर करते हैं इससे 673 केल्विन। आयरन यहां पर कैटलिस्ट का काम करता है और मोलिब्डेनम प्रोमोटर का काम करता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स, H2 रिएक्ट्स विद मेटल, M यहां पर कोई भी मेटल हो सकता है, एल्कली मेटल्स में से, ये दे देगा 2MH। तो जो भी आप यहां पर मेटल लोगे ये उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आपको हाइड्राइड दे देगा। जैसे कि हम N2 की रिएक्शन देखें अगर सोडियम के साथ में, तो ये दे देगा 2NaH, तो इसका हाइड्राइड दिया इसने सोडियम हाइड्राइड। इसी तरीके से कैल्शियम भी होगा, ये दे देगा कैल्शियम Ca+H2, ये दे देगा CaH2, ये है कैल्शियम हाइड्राइड। तो ये थी रिएक्शन हेलोजन, डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन एंड मेटल्स के साथ में। अब हम रिएक्शन देखते हैं मेटल आयंस और मेटल ऑक्साइड्स की। मेटल आयंस मतलब मेटल के आयंस हैं, जैसे कि यह है पैलेडियम 2+, जैसे कि PdCl2 हो सकता है क्योंकि Cl2 है तो उस पर 2 नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो पैलेडियम के ऊपर आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। इसकी रिएक्शन है H2 के साथ में, ये क्या दे देगा पैलेडियम प्लस 2HC, अगर यहाँ पे हम Cl2 मानते हैं तो ये दे देगा 2HCl, या फिर हम लिख सकते हैं 2H+। इसी तरीके से मेटल ऑक्साइड्स के साथ में देखते हैं, ये ले लेते हैं हम जिंक ऑक्साइड और डाइहाइड्रोजन है, तो ये दे देगा हमें जिंक प्लस H2। जिंक की जगह हम कॉपर ले लेते हैं, ये दे देगा कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ये होगा कॉपर प्लस H2। इसी तरीके से इसकी जगह पर हम PbO भी ले सकते हैं। इसके बाद है रिएक्शन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो हम ले लेते हैं इथाइलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, डाइहाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन है, तो क्या होगा यहां से डबल बॉन्ड ओपन अप हो जाएगा और ये क्या दे देगा CH3 और CH3, एक हाइड्रोजन यहां गया एक हाइड्रोजन यहां गया, तो यहां पे हमें क्या मिल गया इथेन। इसी तरीके से हम एसिटाइलीन ले सकते हैं, ये होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, ये हमें दे देगा CH3CH3। ये भी इथेन है, यहाँ पर हमारे कैटलिस्ट जो होंगे वो सेम रहेंगे, निकल ले सकते हैं या फिर प्लैटिनम ले सकते हैं 473 केल्विन, यहाँ पर भी निकल ले सकते हैं या फिर प्लैटिनम ले सकते हैं एट 473 केल्विन।
अब है रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अंदर आता है हाइड्रोजनेशन, इसमें हम वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन करते हैं, वो होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड, मतलब उनमें डबल बॉन्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये दे देते हैं हमें हाइड्रोजनेशन करने के बाद एडिबल फैट्स जैसे कि वनस्पति घी। तो जो वेजिटेबल ऑयल है दिस इज लिक्विड, इनके अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जैसे होते हैं, सो दिस इज पॉली अनसैचुरेटेड, तो इनका आसानी से ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो इनका टेस्ट खराब हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं इनका हाइड्रोजनेशन। इससे क्या होता है इसके नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स जो है वो कम हो जाते हैं, तो डबल बॉन्ड्स कम हो जाएंगे। डबल बॉन्ड्स कम कैसे होंगे, जब इसमें हाइड्रोजन ऐड होगी, हाइड्रोजनेशन होता है हाइड्रोजन का एडिशन, इसमें हम कैटलिस्ट यूज करते हैं निकल एट 473 केल्विन, ये दे देता है हमें फैट सॉलिड, दिस इज एडिबल फैट। तो इंडिया में वनस्पति घी जैसे कि डालडा इस प्रोसेस से बनाया जाता है बहुत ही बड़े पैमाने पे। दूसरा इसके अंदर होता है हाइड्रोफॉर्मिलेशन, हाइड्रोफॉर्मिलेशन होता है ऑलिफिन्स का एल्डिहाइड में, तो ऑलिफिन्स रिएक्ट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में विद डाइहाइड्रोजन, इसमें हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, दिस इज ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट, तो यहां पर कोबाल्ट इसका ट्वाइस है, तो यानी ऑक्टा मतलब 8 कार्बोनिल है और 2 कोबाल्ट है, सो दिस इज ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड का हम फर्दर रिडक्शन करेंगे तो ये हमें दे देता है एल्कोहल, यहां पे ऑलिफिन हो सकता है एल्कीन, तो हम यहां पे एग्जांपल देते हैं, ये दे देगा आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, कार्बन मोनोऑक्साइड है एच टू है, यहां पे हमारा कैटलिस्ट है, ये हमें दे देगा एल्डिहाइड, तो इससे एल्डिहाइड बना देते हैं, ये आर सी एच टू सी एच टू सी एच ओ, क्योंकि ये पूरा तो ऐसे ही रहेगा, एक कार्बन आया यहां से और 2 हाइड्रोजन यहां पर आ गए, तो हमारे को ये मिल जाएगा, ये हो गया एल्डिहाइड। अब इसका हम फर्दर रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एल्कोहल, इसका रिडक्शन कर देते हैं, मतलब यहां से हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये दे देगा आर सी एच टू सी एच टू सी एच टू ओ एच, सो दिस इज हाइड्रोफॉर्मिलेशन ऑफ ऑलिफिन्स टू एल्डिहाइड। यहां पर हमें क्या मिला था एल्डिहाइड मिला था, ये होता है एल्डिहाइड, इसमें हमने क्या किया रिडक्शन किया, रिडक्शन इस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो H2 है यानी 2 H हैं, तो एक H कहां गया इस कार्बन के पास और दूसरा H कहां गया इस ऑक्सीजन के पास, तो ये क्या बन गया R CH2, क्योंकि एक H इसके पास पहले से ही था, एक H आके यहां पे लग गया तो बन गया CH2 और OH, तो ये एल्डिहाइड से एल्कोहल हमें मिल गया। सो दिस वॉज हाइड्रोफॉर्मिलेशन ऑफ ऑलिफिन्स टू एल्डिहाइड। अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन। पहला यूज है इसका, इट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी हमने देखा, हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है उसकी। और ये मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसका दूसरा यूज हो जाएगा वनस्पति फैट, हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय हाइड्रोजनेशन।
तो ये वेजिटेबल ऑयल से हाइड्रोजनेशन हमें करके दे देगा वेजिटेबल फैट, तो हाइड्रोजनेशन हो गया इसका। इसके बाद में तीसरा हो जाएगा हेबर्स प्रोसेस में इसका यूज होता है, क्योंकि हेबर्स प्रोसेस क्या है, एन टू प्लस थ्री एच टू, ये दे देगा टू एन एच थ्री। यहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर और कैटलिस्ट होगा, तो यहाँ पर डाइहाइड्रोजन का यूज हो रहा है। फोर्थ वन इज, हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, उसमें ये मेटल हाइड्राइड्स बनाने में यूज आया, उसके अलावा HCl में, वाटर गैस बनाने में, और इसके अलावा फर्टिलाइजर बनाने में जैसे कि यूरिया। फिफ्थ वन इज, इसका हम यूज कर सकते हैं मेथेनॉल की प्रिपरेशन में, यहां पर कोबाल्ट कैटलिस्ट है, ये दे देगा CH3OH मेथेनॉल। इसके बाद आता है कि इसका रॉकेट फ्यूल में यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। इसके अलावा डाइहाइड्रोजन का फ्यूल सेल में यूज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो ज्यादा बेटर है फॉसिल फ्यूल से या फिर किसी इलेक्ट्रिक पावर से, क्योंकि उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता और उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है जितना कि उनसे निकलेगी। इसके अलावा इसकी एक एप्लीकेशन और है, दैट इज एटॉमिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, तो अगर हम H2 को ब्रेक करना चाहते हैं तो यहां पर हम इलेक्ट्रिक आर्क जो है ये मेंटेन करती है टेम्परेचर को अराउंड 4000 केल्विन, ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। तो इसमें क्या होता है, हमें दो हाइड्रोजन मिल जाती हैं और इसमें जो एंथैल्पी यूज होती है इस एच एच बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो होती है 435 किलो जूल पर मोल अप्रोक्सली। सो दिस हाइड्रोजन विच इज ऑब्टेन्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द एटॉमिक हाइड्रोजन। तो इसको बोलते हैं हम एटॉमिक हाइड्रोजन, जो इस H2 मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से हमें हाइड्रोजन मिलती है वो है एटॉमिक हाइड्रोजन, और इसकी एच एच बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है इसलिए हमेशा मिलती है हमें हाई टेम्परेचर में। अब इससे मिले हमें दो एच एटम्स, तो H2 जो थी वो हमारी स्टेबल थी, लेकिन हमने उसको इतने हाई टेम्परेचर में उसको ब्रेक कर दिया है, दो एच एटम्स में ब्रेक हो गई है वो, अब ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है जितना कि H2 थी, तो ये बहुत ही कम टाइम के लिए स्टेबल होगी, और ये स्टेबल नहीं है तो मतलब ये रिएक्टिव ज्यादा है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट होने का चांस ज्यादा है, तो ये फिर से क्या होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहेगी। तो जब हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही थी, टेम्परेचर इतना ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ रहा था, तो अगर ये दोनों फिर से कंबाइन होंगे तो जो एनर्जी निकलेगी वो भी बहुत ज्यादा निकलेगी। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो जो हीट रिलीज होगी वो बहुत ज्यादा होगी, और वो इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट होगी कि हम उससे कटिंग या फिर वेल्डिंग के पर्पस में यूज कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। ऐसे दो टंगस्टन की रॉड होती हैं, यहां से हम H2 को पास करते हैं, यहां से जाती है और यहां पे वो स्ट्रक हो जाते हैं दो एच एटम्स इस तरीके से। तो एक ये इसकी एप्लीकेशन हो गई कि जब ये एटम्स साथ में कंबाइन करेंगे तो उससे इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है कि हम उसको कटिंग या फिर वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये थे यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इससे आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।